भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला कांटेदार फल धतूरा आम तौर पर जहरीला और जंगली फल माना जाता है। यही कारण है कि इसे पूजन के अलावा इसका किसी और चीजों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन आज धतूरा के जिन फायदों के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में जानने के बाद ये फल आपकी भी मनपसंद चीज बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 10 नेशन की खास पेशकश सेहतनामा। आयुर्वेद में धतूरे को एक औषधि के रूप में कई सारी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके रस को सिर पर मलने से न केवल डैंड्रफ खत्म होते हैं बल्कि गंजेपन से भी छुटकारा मिल जाता है। वहीं दर्द से राहत पाने के लिए भी धतूरे के रस को तिल के तेल के साथ मिलाकर गर्म करके इसे दर्द वाली जगह पर मालिश करने से उससे भी फायदा मिलता है। बवासीर के इलाज के तौर पर भी धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मस्से की सिकाई करने से भी फायदा होता है। नियमित रूप से धतूरे के रस और तिल के तेल की मालिश करने से जोड़ों की समस्या और गठिया जैसी समस्याओं से न केवल कई हद तक निजात पाई जा सकती है बल्कि इस रोग को पूरी तरह से मिटाया भी जा सकता है। बुखार हो या फिर कफ, इस परेशानी में भी धतूरा बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए लगभग 125 से 250 मिलीग्राम धतूरे के बीज लेकर इसे जलाकर राख बना लें और इसी राख को मरीज को दें। इससे बुखार या कफ गायब हो जाता है। कुल मिलाकर धतूरा आपकी कई सारी परेशानियों को दूर करने में कारगर होता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।